गाइज़ वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ए से लेकर जेड तक की नंबर वैल्यू, ए की 1, जेड की 26, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद वापस ए से लेकर जेड तक स्टार्ट हो जाती है। डेट मीन्स ए की 27 हो जाएगी, बी की 28 हो जाएगी, इसी प्रकार जेड तक का 52 चलता है। ये हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, दो चार ही पूछे जाते हैं, 30 तक का मैक्सिमम पूछे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और मैंने बताया था कि LHS और RHS, हमारा जो LHS है वही एग्ज़ामिनर का भी LHS है, हमारा जो RHS है वही एग्जामिनर का भी है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट साइड एग्जामिनर का लेफ्ट साइड, हमारा राइट साइड एग्जामिनर का राइट साइड, हम अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे लेफ्ट और राइट। हमारा जो लेफ्ट रहेगा वही एग्जामिनर का रहेगा, हमारा जो राइट रहेगा वही एग्जामिनर का राइट रहेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए से जेड तक की रिवर्स नंबर वैल्यू। अब मैं जब ए से लेकर जेड तक लिखती हूँ तो ये रहता है, इधर से चालू होता है ए की 1 आ जाती है, जेड की 26, इधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैंने आप लोगों को याद करा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे राइट हैंड साइड से नंबर वैल्यू। तो राइट हैंड साइड से जब हम पढ़ेंगे तो जब मैं इधर से जाऊंगी तो जेड पहले नंबर पे आ जाएगा राइट साइड से, और ए आ जाएगा 26 नंबर पे। इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल बेस्ड और दूसरा हम पढ़ेंगे पेयर बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मैथमेटिकल बेस्ड। अब जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1 और 26, इसका मतलब क्या हो रहा है, टोटल कितने आ रहे हैं, ये भी 26 और 1 27, और बी की जैसे मैं लूँ तो 2 और इधर से 25, तो ये भी 27, मतलब टोटल मैंने कितना मान लिया 27, टोटल मैंने मान लिया 27। अब मुझे बी की निकालनी है राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू। तो बी की राइट हैंड साइड से कितना होगा, मुझे पता है लेफ्ट साइड से कितना है इसका, 2 है। टोटल बनता कैसे है, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट। मुझे राइट साइड से निकालना है तो मैं टोटल में से लेफ्ट को माइनस कर दूंगी तो मुझे राइट साइड निकल जाएगा। 27 है इसकी टोटल वैल्यू। बी की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से मैंने याद कराया था 2 है, माइनस 2 कर देंगे तो राइट साइड से कितना आ गया, 25 आ गया। उसी प्रकार मैं ले लेती हूँ कुछ नंबर्स जैसे आई पी एस, ठीक। अब मुझे इन लोगों की राइट साइड से निकालनी है, लेफ्ट साइड से मुझे पता है इनकी 9 है, इसकी 16 है, इसकी 19 है। राइट साइड से मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, ठीक 18 आ गया। और मैं निकालूंगी 27 माइनस 16, राइट साइड से कितना आ जाएगा इसका, 11। 27 माइनस 19 मतलब 8। राइट हैंड साइड से ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक बात देखिएगा आप लोग, जब हम पेयर बेस पढ़ेंगे, पेयर बेस पढ़ेंगे तो ए का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ए का लेफ्ट साइड से है 1 और जेड का है 26, राइट साइड से इसका 26, इसका 1। ए से लेकर जेड तक पढ़ेंगे, इधर से मैं आऊँगी तो ये 1 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और इधर से जाऊँगी तो ये 1 है, ये 26 है, मतलब ए की वही वैल्यू आ रही है जो क्या है, जेड की आ रही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी राइट हैंड साइड से, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी राइट हैंड साइड से सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ए और जेड का पेयर बन रहा है, ए अपोजिट है जेड का। अगर ए की लेफ्ट हैंड साइड से वही वैल्यू है जो कि क्या है, इसकी राइट हैंड साइड से है, मतलब ए की लेफ्ट हैंड साइड से और जेड की राइट हैंड साइड से वैल्यू सेम है, ए की राइट हैंड साइड से और जेड की लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू सेम है। क्या समझ आ रहा है इससे, मतलब ये दोनों पेयर बन रहे हैं और टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, ए और जेड का पेयर बन रहा है, टोटल लेटर्स है हमारे पास 26। जब दो दो के पेयर बन रहे हैं तो ये तो क्लियर है ही, कितने पेयर बनेंगे, 13 पेयर बनेंगे।
तेरह तेरह किसकी वैल्यू रहती है, एम एन की, मैंने बताया था लेमन, लेमन 12-13 रुपए में आते हैं, तो एम की वैल्यू हो गई 13। एम की वैल्यू 13 आ गई तो मतलब हमें 13 पेयर मिलेंगे। और अब हमें पेयर बनाना सीखना है। पेयर बनाने के लिए भी मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिससे हम याद रख सकते हैं पेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से लेकर एम तक का। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ए का जेड होता है, आप पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को उसको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगी। बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। अब मुझे तो ये याद है क्योंकि मैंने अपनी ट्रिक से इसे याद कर लिया है। अब मैं आप लोगों को भी अपनी ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट में। हम लोगों को सिर्फ इसे एक वर्ड बनाना है। ये ये और ये तो हम तुरंत याद रख ही सकते हैं। ए जेड होता है, बी वाई होता है, सी एक्स होता है। मैं आप लोग कुछ वर्ड्स बताती हूँ जिससे हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, ए बी सी और डी। ए का होता है जेड, मतलब आज़ाद। आज़ाद से हम याद रख सकते हैं कि ए जेड। बी बॉय, बी वाई, सी एक्स। सी एक्स को हम एग्जीक्यूटिव से याद रख सकते हैं। मैंने लिखा है एग्जीक्यूटिव, हम समझ लेंगे एक्सक्यूटिव, ठीक। सी और एक्स, एक्स और सी। डी डब्ल्यू मतलब डाउन, डाउन से याद रख सकता है डी डब्ल्यू। ए जेड आज़ाद, बी वाई बॉय, सी एक्स एग्जीक्यूटिव, एक्स सी क्यूटिव, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। डी डब्ल्यू डाउन। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ई ई को हम दो तरीके से याद रख सकते हैं, एक तो होता है लव और दूसरा इवनिंग, ठीक, इवनिंग से। तो लव, लव से याद रखेंगे तो वी ई। लव मैंने इसलिए बताया लव याद रखिएगा क्योंकि एल का ओ होता है अपोजिट, तो इससे हमें दो वर्ड्स पे दो पेयर मिल जाते हैं। ई का वी लव से। एफ का यू, एफ यू फूल, ठीक, एफ यू फूल। जी टी गेट, जी टी गेट। ई वी लव या इवनिंग, एफ यू फूल, जी टी गेट। एच एस हैंडसम, एच एस हैंडसम, ठीक, एच एस हैंडसम। ए जेड आज़ाद, बी वाई बॉय, सी एक्स एग्जीक्यूटिव और डी डब्ल्यू डाउन। ई वी लव, एफ यू फूल, जी टी गेट, एच एस हैंडसम, ई एफ जी एच, अगला आई जी के एल एम। आई का होता है आर, मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई, इंडियन रेलवे आई आर, इंडियन रेलवे आई आर, मतलब आई आर का पीएल बन रहा है। जे क्यू जंगल क्वीन या फिर जैकलीन, जैसे भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जंगल क्वीन या जैकलीन, जैकलीन से वैसे ज़्यादा याद रहेगा। के पी, के पी मतलब पी के मूवी, सभी ने देखी होगी पी के मूवी, तो पी के पी, ठीक। एल ओ लव, एम एन मन, ठीक। ए जेड आज़ाद, बी वाई बॉय, सी एक्स एग्जीक्यूटिव, डी डब्ल्यू डाउन, ई वी लव, एफ यू फूल, जी टी गेट, ई एफ जी एच एस हैंडसम, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन या जैकलीन, के पी पी के मूवी, एल ओ लव, एम एन मन। इतना याद हो गया हमें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पेयर मिल गया, अब ये पेयर हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में काम आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हम कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसका दो पार्ट बना दिया है। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज याद कर ली होगी और आज आप लोग राइट हैंड साइड से भी इसकी वैल्यू याद कर लेंगे। तो
तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाएंगे, ये तो मैंने बता दिया। और जैसे यूज़ किस तरीके से हम ला सकते हैं, मैंने आप लोगों से पूछा आई की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें आई की राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू बताओ। मैंने ऐसा पूछा, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे अब इसे। राइट हैंड साइड से जब वैल्यू निकालनी है, एक तो हमारा आएगा 27 वाला, 27 में से इसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 माइनस कर लेंगे तो राइट हैंड साइड से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 18। ठीक, मतलब राइट हैंड साइड से ये 18 नंबर पे होगा। और एक तरीका होता है आई, आई का हो गया, आई का पेयर क्या बता, इंडियन रेलवे आई आर, आर का लेफ्ट हैंड साइड से कितना है 18, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 18 राइट हैंड साइड से। पेयर वाला ज़्यादा इजी पड़ता है, बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका कि लेटर दिया हुआ है, हमने नंबर पूछ लिया, अब दिया रहेगा नंबर, इससे हमें लेटर निकालना है। मतलब 18 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में राइट हैंड साइड से कौन सा लेटर आता है, 18 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में राइट हैंड साइड से कौन सा नंबर आता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही आई आर, आई आर का पेयर बन रहा है 18 होता है आर का, 18 होता है तो आई आई उसके अपोजिट है, मतलब आई आएगा इसकी जगह पे। यह तो एकदम देखते ही सॉल्व हो गया, आर आर का 18 होता है, मतलब आर का पेयर आई, मतलब आई उसकी प्लेस पे आएगा। ठीक, और एक तरीका हुआ 27 माइनस 18 डेट मीन्स 9, 9 किसकी प्लेस वैल्यू है आई की, तो आई आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा, रिवर्स वैल्यू भी हमने नंबर से याद करना सीख लिया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अल्फ़ा और नंबर कोडिंग। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड अप करती हूँ, उम्मीद है आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको रिजनिंग पढ़ने में आसानी लगेगी। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा, इसे शेयर कीजिएगा, आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतने लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।